सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं जा रही हूँ घर और अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ। 24 से आज 30 दिसंबर है, और 24 से ना कुछ खा रही हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ खा ही नहीं रही हूँ, मतलब अच्छे से कुछ खा भी नहीं रही हूँ और ना सो रही हूँ। इतनी बुरी हालत हो चुकी है, पर आज मैं घर जा रही हूँ और मम्मी को सरप्राइज़ देने वाली हूँ मैंने। तो चलो चलते हैं, मैं कपड़े वगैरह पैक कर रही हूँ, बस मैंने ब्रश भी कर लिया, अब मुझे रेडी होना है और निकलना है मुझे। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ और अब मुझे निकलना है, क्योंकि अब 5 बज चुके हैं और बाहर बहुत ठंडी है, तो स्वेटर पहनना तो ज़रूरी ही है। सो गाइस, चलो चलते हैं, अभी साइन करना मुझे, सब वही सेम प्रोसेस जो आईजेंटी की होती है, सब वही प्रोसेस करनी है, साइन वाइन करना है। सो चलो करते हैं और निकलते हैं। सो इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन हो गए मम्मी से मिले हुए, बहुत दिन, मतलब मम्मी नहीं, पापा से भी, दादा दादी जी से भी, बट मम्मी का सरप्राइज देना है, तो चले चलते हैं। कुछ नहीं मिल रहा घर जाने के लिए। सो गाइस, मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं घर जाने वाली थी और घर वालों को सरप्राइज़ देने वाली थी, तो मैंने घर वालों को बताया नहीं मैं आ रही हूँ, अब मैं इधर आ गई, और इधर से घर जाने के लिए मेरे को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं कैसे घर पहुँचूँगी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सरप्राइज़ के चक्कर में कहीं ये ना हो कि मैं सरप्राइज हो जाऊँ। देखते हैं क्या होता है, मिलती है गाड़ी में, कब घर पहुंचती हूँ, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और लास्ट में मुझे एक जीप मिली जो कि आधी दूर तक ही जा रही थी, बट मैंने अंकल को बोला कि अंकल प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो, मैं आपको पैसे ज़्यादा दे दूँगी, तो अब वो मुझे लेके जाएंगे। और सो गाइस, मैं घर आ चुकी हूँ, मम्मी का भी नहीं पता, मम्मी को फ़ोन कर रही हूँ मैं, अभी देखो क्या होता है। हेलो मम्मी, वो बाहर ना पार्सल वाला आया है, तो जाओ ले लो थोड़ा। हाँ देखो ना क्या है, जाओ ले लो। हाँ अरे देखो ना क्या है, फिर मैं करती हूँ आपको। वो उठा लो उसको। मम्मी चलो चलो
तो मैं घर आ चुकी हूँ, मम्मी से मिलूंगी, अब दादी से मिलूंगी। दादी आ गई मैं। जीप बेचारा आ ही नहीं रहा था, फिर मैंने कहा चलो अंकल प्लीज छोड़ दो, कोई नहीं है घर जाने वाला। गले लाओ जगन्नाथ पुरी से आए वो जो मैं ब्लैक कलर का खरीदी थी। कहाँ खरीदे? कहाँ खरीदे? इधर उस दुकान में वाले वही के नहीं है। नहा लेना नहीं, वही गर्म पानी है नहीं कुछ रहा। सो फाइनली मैं घर पहुंच चुकी हूँ और मम्मी से मिल गई, मम्मी को सरप्राइज भी दे दिया। मम्मी को नहीं पता था बिल्कुल भी, तो अब देखते हैं जाते हैं अंदर। मेरे को बहुत मजा आया, मम्मी रोने भी लग गई थी बाद में। तो गाइस मैं घर पहुंच गई, अब जा रही हूँ एंजॉय करने। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, और आप भी अभी अपने मम्मी पापा को ऐसे कभी सरप्राइज करना। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा।